वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेधि यतो यत समीहसे ततो नोमभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। धारावाहिक के इस प्रकरण में अलक्षेंद्र व अन्य यवन पात्रों के दृश्यों में हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त एक दृश्य में ग्रीक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इन दिस एपिसोड ऑफ द सीरियल वी हैव मेड द यूज ऑफ ग्रीक लैंग्वेज इन अ सीन ऑफ अलेक्जेंडर। इंग्लिश एंड हिंदी हैज बीन यूज्ड इंस्टेड ऑफ ग्रीक फॉर हिम एंड अदर ग्रीक कैरेक्टर्स इन द सब्सिक्वेंट सीन्स। तक्षशिला में भी अलक्षेंद्र ने प्रथानुसार बलि चढ़ाई और व्यायाम तथा घुड़सवारी की प्रतियोगिता आयोजित की। मखाता के पुत्र फिलिप को उस क्षेत्र का क्षत्रप नियुक्त कर अलक्षेंद्र अपनी पूर्व सेना और तक्षशिला के 5,000 निवासियों तथा प्रधानों से गठित सेना के साथ झेलम नदी के तट पर पहुंचा। अलक्षेंद्र ने नदी के तट पर पड़ाव डाला। दूसरे तट पर पोरस अपने हाथियों के झुंड और सेना के साथ उपस्थित था। अलक्षेंद्र अपने स्थान पर टिके रहने की सार्वजनिक घोषणा के साथ साथ सुगम मार्ग की तलाश में जुटा रहा। पोरस की सेना के विरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण करना उसे असंभव लगा। उसने ठीक पूर्वानुमान किया कि तट पर खड़ा पोरस के हाथियों का झुंड उसकी सेना के घोड़ों को आतंकित कर देगा। अतएव उसने अप्रत्यक्ष और अलक्षित प्रवेश की रणनीति अपनाई। अलक्षेंद्र के शिविर से आगे नदी मुड़ती थी। नदी के मोड़ पर तट से जुड़ा एक कगार था। कगार के सामने नदी में एक टापू था। वो टापू निर्जन और शांत था। टापू पर पौधे वनस्पति और वृक्षों का घना वन था। इन दोनों स्थानों की प्राकृतिक स्थिति नदी पार करने की दृष्टि से सुगम थी। इसके अतिरिक्त सेना की गतिविधि दूसरे तट से लक्षित नहीं की जा सकती थी। अलक्षेंद्र ने इसी मार्ग से नदी पार करने का निर्णय किया। नदी पार करने का निश्चय करने के पश्चात अलक्षेंद्र ने अपने सेनापतियों से विचार विमर्श किया और योजना बनाई। अलक्षेंद्र के नेतृत्व में उसके अंगरक्षक हेफेस्टियन, पार्डिकस और डिमेट्रियस की अश्वरोही सेना, बैक्ट्रिया, सोगडिया और स्किंथिया की अश्वरोही सेना, दान के घुड़सवार धनुर्धर, पैदल सेना में क्लोइतोस और कोइनोस की टुकड़ी, कुछ धनुर्धर तथा एग्रियनिया के सैनिक थे। वो तट से पर्याप्त अंतर पर द्वीप और कगार की दिशा में बढ़ा। वो अपनी सेना के संचालन को अलक्षित रखना चाहता था। रात्रि में मूसलाधार वर्षा हुई। पशुचर में शुष्क परम हरे गए और उनसे बेड़े बनाए गए। वर्षा के शोर में अलक्षेंद्र की सेना की तैयारी और नदी पार करने के प्रयास का शोर समाहित हो गया। नाव और पोतों का भी पुनर्निर्माण किया जा चुका था। समस्त सेना द्वीप से आगे दूसरे तट के समीप पहुंच गई, परंतु पोरस के संतरियों को इसकी भनक भी नहीं मिली। अलक्षेंद्र का अनुमान था कि पोरस अपनी संपूर्ण सेना के साथ उसकी दिशा में बढ़ रहा है।
और उसने अश्वारोही सेना की एक टुकड़ी आगे भेजी। कोरस की अश्वारोही सेना की संख्या ज्ञात होने पर उसने स्फूर्ति से अपनी अश्वारोही सेना को युद्ध के लिए ललकारा। कोरस की अश्वारोही सेना अलक्षेंद्र की छोटी अश्वारोही सेना को सम्मुख पाकर साहस के साथ आगे बढ़ी और उनके व्यूह में फंस गई। 400 घुड़सवारों के साथ पोरस का पुत्र भी था। उनके रथ, घोड़ों और सैनिकों का पीछे लौटना या आगे बढ़ना असंभव हो गया क्योंकि वहां चिकनी मिट्टी थी। इस व्यूह से निकल भागे घुड़सवारों ने पोरस को बताया कि अलक्षेंद्र ने स्वयं नदी पार कर ली है और उसके पुत्र की युद्ध में मृत्यु हो गई है। तत्पश्चात पर्वतेश्वर ने सेना का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों की सेना हाथी और घोड़ों के समीप युद्धरत थी। इससे दोनों पक्ष की क्षति हुई। अलक्षेंद्र की सेना के संचालन के लिए पर्याप्त स्थान था, किंतु पोरस की सेना पशुओं के बीच फंस गई थी। हाथी भी थक गए थे। महावतों की मृत्यु से कुछ हाथी अनियंत्रित भटक रहे थे। वे पीछे भागे तो अपनी सेना को रौंदते चले गए। इसी समय अलक्षेंद्र की अश्वारोही सेना ने शत्रु की सेना को घेर लिया। इस प्रकार प्रत्येक दिशा से अलक्षेंद्र की सेना ने शत्रु की सेना पर आक्रमण किया और पराजय के लिए विवश किया। पोरस ने अदम्य साहस के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। अपनी सेना की अपार क्षति के पश्चात भी वो युद्ध से विमुख नहीं हुआ। वो अपनी सेना के साथ साथ युद्ध करता रहा। युद्ध में उसका दाहिना कंधा घायल हो गया क्योंकि वहां कवच नहीं था। घायल पोरस ने अपने हाथी को मोड़ा और पीछे लौटा। उसे लौटता पाकर अलक्षेंद्र ने तक्षशिला वासियों को उसके पास भेजा। पोरस अलक्षेंद्र के दूतों से मिलने के लिए रुका, किंतु दूतों में अपने पुराने शत्रु तक्षशिला वासियों को देखकर उसका क्रोध जाग उठा और उसने आक्रमण किया। अलक्षेंद्र के दूत प्राण रक्षा में भागे। पोरस के इस व्यवहार से अलक्षेंद्र क्रोधित नहीं हुआ। उसने दूत पर दूत भेजे। अंततः उसने पोरस के मित्र मेरोस से संदेश भेजा। मेरोस का संदेश पाकर पोरस रुका और हाथी से उतरा। उसे तीव्र प्यास भी लगी थी। जल पीकर प्यास बुझाने के पश्चात उसने मेरोस से आग्रह किया कि उसे अलक्षेंद्र के पास ले चले और सुतलेस अमे प्रोस्परस्ताव सोय। पोरस, तुम्हारे साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए? जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है अलक्षेंद्र। हो श्रीपे बैसिले हेलेका एमु सुप्रोस अलेक तेसे अल आयतिसान सियावतो हो एयान सुतलेस। हे पोरस, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा, पर मेरे लिए तुम्हें प्रसन्न कर सके ऐसा कोई भी वरदान अपनी इच्छा से मांगो। जो भी मैंने कहा है उसमें सब कुछ समाहित है अलक्षेंद्र। हुसा ऑन आयतिसो एके पांता एन आवतो दे से प्रॉमिस है तो फिलो एमु मेरे मित्र पोरस का उपचार किया जाए। कब तक ये पीड़ा सहनी होगी वैद्यराज? मर्मांतक पीड़ा को तो आप सह गए, अभी छोटा घाव भी भर ही जाएगा। तन के घावों को तो तुम्हारी औषधियां भर देंगी वैद्यराज, पर मन के घावों को कौन भरेगा? मन का क्या है केकई राज, अपनी तृप्ति के लिए वह तो अपना मार्ग ढूंढ ही लेगा। उसे बदलते देर नहीं लगेगी, समय के साथ वह भी अपने लिए सम्मानजनक तर्कों को ढूंढ ही लेगा। बस उसका साथ देते रहिए, कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। प्रणाम के कई राज। आओ बेटी। बैठो बैठो।
अब पीड़ा कैसी है? भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ बेटी। धनंजय बता रहा था कि आप वीरता से लड़े और अलकशेंद्र स्वयं आपके स्वागत के लिए आगे बढ़ा था, और जब अलकशेंद्र ने आपसे पूछा ओ पोरस तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो आपने कहा था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। एक राजा की मर्यादा की रक्षा तो हो गई, पर एक राष्ट्र का मान नष्ट हो गया। बेटी मरने से डरते थे आप, जो आपने अलकशेंद्र की अवहेलना नहीं की। पराजितों का अपमान करता है, ये सत्य भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ बेटी। स्वयं को दया का पात्र बनाने का झूठा प्रयास मत करिए केकराज। इस देश की विडंबना ही यही रही है कि भूमि के लिए राजा लड़ते हैं, राज परिवार लड़ते हैं, पर मातृभूमि के लिए विधरती की संतान बन नहीं लड़ना चाहते। गर्व होता मुझे जो मेरे पिता ने यवन राज से कहा होता, जो व्यवहार इस धरती की एक संतान के साथ होना चाहिए वही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। मेरे पिता युद्ध भूमि से जीवित लौट कर आए, इसका मुझे संतोष है, पर मेरे दो भाई युद्ध भूमि से नहीं लौटे, उन पर मुझे गर्व है। पराजितों की पीड़ा तू नहीं समझेगी बेटी। सूचना सही है, कहके पराजित हुआ है। आचार्य कहाँ है? श्रेष्ठी लक्ष्मीपति के यहां। पुणक अब आचार्य को संभालना होगा, कहके के पराजय की सूचना पाकर वे पूरी तरह टूट चुके हैं। समस्त उत्तरापथ के मार्ग अलकशेंद्र के आक्रमण के कारण अब भयमुक्त नहीं रहे आचार्य। ना ही मार्ग सुरक्षित है और ना ही जनपदों की स्थिति इतनी सुदृढ़ कि वे सार्थवाहों की रक्षा का उत्तरदायित्व वहन कर सके। कह कही कि मेरे पर्णशाला से अलकशेंद्र के आक्रमण की सूचना आते ही मुझे बीच मार्ग से ही लौटाना पड़ा। किसी दावानल की भांति वह संपूर्ण वाहिक प्रदेश को ग्रस लेने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। शीघ्र ही तक्षशिला से कैकई की पर्णशाला में मेरा पढ़ने आने वाला था, पर अब तो तक्षशिला की ओर प्रयाण करने में ही संकोच हो रहा है। पर आप कहां से आ रहे हैं आचार्य? पाटलिपुत्र से। किसी कार्यवश या? धनानंद से सैनिक सहायता मांगने गया था, ताकि भारत के समस्त जनपद एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो अलकशेंद्र के आक्रमण का प्रत्युत्तर दे सकें। पर आचार्य क्या अन्य जनपद अलकशेंद्र से अपनी रक्षा कर पाएंगे? इस राष्ट्र को अपनी रक्षा करने के योग्य तो बनाना ही होगा। बड़ी प्रसन्नता होती जो आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। आज्ञा दीजिए। मेरा सेवक आपको पंथागार तक छोड़ाएगा, मार्गों में घना अंधेरा होगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं सृष्टि, वैसे भी मेरे मार्गों में पहले से ज्यादा घना अंधेरा है। प्रणाम। आचार्य किसी यज्ञ में मेरी आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य पुकार। इस धरती के पूर्वजों के पुण्य शेष रहे तो अग्नि की ज्वाला उठेंगे ही, समस्त राष्ट्र उसकी वेदी होगा। उस प्रचंड अग्नि में क्या क्या समर्पित, क्या क्या स्वाहा कर पाओगे सृष्टि,
यदि उस यज्ञ का पुरोहित आचार्य विष्णुगुप्त है तो सर्वस्व। वह अवसर भी आएगा सृष्टि। निबणक, तुम और शारंगारो कल तक्षशिला की ओर प्रस्थान कर देना। और आप? मैं संभवतः मालवगण की ओर जाऊंगा। हम भी आपके साथ आएंगे आचार्य। तुम तक्षशिला जाओगे आचार्य? कोई तर्क नहीं। ग्लुचुकायन व निकटवर्ती प्रदेशों पर विजय पा अलक्षेंद्र ने कट गणराज्य की ओर प्रयाण किया। अलक्षेंद्र कट की ओर बढ़ रहा था कि अश्वाटक प्रदेश के क्षत्रप शचीगुप्त से सूचना प्राप्त हुई कि अश्वाटकों की नगरी में अलक्षेंद्र के विरुद्ध विद्रोह हो गया है। अश्वाटकों ने उनके राज्यपाल की हत्या कर दी। विद्रोह की सूचना पा अलक्षेंद्र ने फिलिपस व टेरेस्पस को विद्रोह के दमन के लिए अश्वाटक प्रदेश की ओर भेज दिया। अलक्षेंद्र कट की ओर बढ़ रहा था। असिकनी व शतद्रु को पार कर अलक्षेंद्र ने कट पर आक्रमण किया। केके राज पर्वतेश्वर ने कठों के विरुद्ध युद्ध में अलक्षेंद्र का साथ दिया। कट के योद्धाओं ने अलक्षेंद्र की सेना का वीरतापूर्वक सामना किया, पर अंत में कट के वीर पराजित हुए। कट की राजधानी सांकल को उध्वस्त कर अलक्षेंद्र अपनी विजय यात्रा का ध्वज फहराते हुए विपाशा की ओर बढ़ गया, पर अलक्षेंद्र के सैनिक अब आगे बढ़ने को तैयार न थे। वीर अलक्षेंद्र, विपाशा के उस पार विशाल मरुभूमि है जिसे पार करने के लिए 11 दिवस लगेंगे। तत्पश्चात मार्ग में भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा आती है जिसके तट पर यवधेय व प्राच्य नामक राष्ट्र स्थित है। प्राच्य के शासक अग्रमीस के पास अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए 20,000 अश्व सेना, 200,000 पदाती सेना, 2,004 अश्वों की रथ सेना व 3,000 का हस्तिबल है। There is a great desert across Vipassa that will take 11 days to traverse. Next comes the greatest river of India, the Ganges, which has the nations Gangride and Prasi alongside its banks. The ruler of Prasi, Agramis, has mighty force of 20,000 cavalry, 2,00,000 infantry, besides 2,000 four-horse chariots, the most formidable force of all, a troop of 3,000 elephants for the defense of his country. Strange. Is it true, Porus? Yeah, yes, satya hai, Porus. Veer Alakshendra, jahan tak Agramis ke sainya bal ka prashn hai, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर प्राच्य देश का वर्तमान शासक हीन कुल का है। उसका पिता वास्तव में नाई था, पर अपने व्यक्तित्व के कारण वह राजमहिषि का स्नेह पात्र बन गया, और राजमहिषि के प्रभाव के ही कारण वह राजा के अत्यंत निकट आने में सफल हो गया। कुछ समय पश्चात उसने छल से राजा की हत्या करवा दी और राजपुत्रों के संरक्षण के नाम पर संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे उसने राजपुत्रों की भी हत्या करवा दी और स्वयं शासक बन बैठा। पिता के हाथों पुत्र को शासन प्राप्त हुआ, पर उसकी प्रजा त्रस्त है एवं उसे घृणा करती है। As far as the strength of the nation and the kingdom is concerned, there is no exaggeration in the report. But the present king, a man of no distinction and of very meanest condition. His father was in fact a barber, who because of his own personality, won the affection of queen. And it was because of queen's influence that he could gain confidence of the king. After some time, he treacherously murdered his sovereign. And then, under the pretense of acting as guardian to the royal children, usurped the supreme authority. And having put the young princess to death, beggared the present king, who was detested and held cheap by his subjects, as he rather took after his father than conducted himself as the occupant of the throne. I'm not ignorant, soldiers. सैनिकों, मैं इस तथ्य से परिचित हूँ कि गत कुछ दिनों से इस राज्य के निवासी हमारी सेना को भयभीत करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की जनश्रुतियों का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी मिथ्या जनश्रुतियाँ
आपके लिए नई नई है। अपने विजय अभियान में अनेक अवसरों पर आपने ऐसी निराधार जनश्रुतियां सुनी। फारसियों ने भी इसी प्रकार सिलिसिया द्वार, मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटस की विशाल और विस्तृत समतल भूमि से आपको आतंकित करने का प्रयास किया, तथा अब आपने नदी पार कर ली है और वह भी सेतु से। प्रसिद्धि कभी इतनी स्पष्ट और पारदर्शी नहीं होती कि सभी तथ्य अपने मूल रूप में दृष्टिगोचर हो। प्रसिद्धि तथ्यों के अतिरंजित रूप में प्रसारित होती है और सत्य से भिन्न हो जाती है, यहां तक कि हमारे प्रताप की प्रसिद्धि ठोस आधार पर होने पर भी यथार्थ से अधिक जनश्रुतियों की ऋणी है। कुछ दिनों पूर्व तक किसे विश्वास था कि परकोटों के समान प्रतीत होने वाले भयानक पशुओं का आक्रमण सह पाना हमारे लिए संभव है, या फिर हम झेलम पार कर सकते हैं, या अन्य ऐसी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे जो सुनने में यथार्थ अनुभव से अधिक दुर्जय थी। यदि हम ऐसी कथाओं से डर गए होते तो अतीत में ही एशिया से लौट गए होते। क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हाथी दूसरे पशुओं की अपेक्षा विशाल और भयानक होता है? क्योंकि यह दुर्लभ है, इसे पकड़ना कठिन है और पालतू बनाना तो अत्यंत कठिन है। आपको आतंकित करने के उद्देश्य से ही शत्रु के घोड़ों और सैनिकों की संख्या का भी अतिरंजित रूप में मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। नदी से क्या डरना, नदी चौड़ी हो तो एक शांत जलाशय के समान होती है। आप जानते हैं कि संकीर्ण तटों के बीच सीमित नदी की पतली धारा का प्रवाह अधिक प्रचंड होता है, और इसके विपरीत धारा चौड़ी होने से प्रवाह मंद पड़ जाता है। अभी से क्या डरना, सारी आशंका तट पर है। शत्रु तट पर हमारे आगमन की प्रतीक्षा में है। मान लेता हूँ कि ये जनश्रुतियां सत्य हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप भयानक आकार के हाथियों से भयभीत हैं या शत्रुओं की संख्या से? पिछले युद्ध में हम लोगों ने हाथियों की सेना का अनुभव प्राप्त किया। हमारे हथियारों से घायल क्रोधोन्मत्त हाथियों ने अपनी सेना पर ही धावा बोल दिया था। क्या अंतर पड़ता है आप ही बताएं? यदि उनकी सेना में हाथियों की संख्या पोरस के सेना के समतुल्य हो या 3,000 हो, एक या दो के घायल होने के पश्चात भगदड़ मच जाती है और वे युद्ध स्थल से भाग खड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि एक दो हाथी का संचालन कठिन कार्य है तो निश्चित ही सहस्त्र हाथियों के एकत्रित झुंड को संचालित करना असाध्य कार्य है। विशालकाय हाथी एक दूसरे की गति को बाधित करते हैं। यद्यपि मेरे पास भी पशु हैं, किंतु मैं स्वयं उनके संबंध में अच्छी राय नहीं रखता। मैं उन्हें युद्ध स्थल में नहीं ले जाता क्योंकि मेरा अटल विश्वास है कि वे शत्रु से अधिक अपने पक्ष को हानि पहुंचाते हैं। संभवतः घोड़ों और पैदल सैनिकों की संख्या आपके भय को बढ़ाती है क्योंकि आप छोटी सेना से युद्ध करने के अभ्यस्त हैं। यह प्रथम अवसर है कि आपका सामना बड़ी सेना से होगा, अतः यह भय स्वाभाविक है। ग्रेनिकस नदी मैसेडोनिया वासियों की अपराजयी शक्ति की साक्षी है, उसने हमारे अदम्य साहस को देखा है। ऐसे ही सिलिसिया फारसियों के रक्त से प्लावित हुई और अरबेला की भूमि पराजित सेना की अस्थियों से ढक गई। एशिया में विजय प्राप्ति की एक संपूर्ण श्रृंखला के पश्चात आप अब शत्रुओं की अक्षौहिणी सेना की गिनती कर रहे हैं। हमें हेलेसपोंड नदी पार करते समय अपनी छोटी सेना पर विचार करना चाहिए था। आज हमारी सेना में सिंथिया के सैनिक हैं, गोक्ट्रिया की सैन्य टुकड़ी हमारा साथ दे रही है, दाहन और सेग्डियन के नागरिक हमारी सेवा में हैं। अब हमें क्या डरना, हमारी संख्या आरंभिक प्रयाण के समय से अधिक हो गई है, किंतु मैं इस भीड़ पर विश्वास नहीं करता। मैं आपकी शक्ति, हाँ, मैं मैसेडोनिया वासियों की शक्ति पर निर्भर करता हूँ। आपके पराक्रम और बाहुबल से मैं चुनौतियां स्वीकार करता हूँ और निश्चित विजय की योजनाएं बनाता हूँ। आपके सहयोग और साथ से ही मैं युद्ध करूंगा। मैं अपनी या शत्रु की सेना की संख्या की गिनती नहीं करता। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप तत्परता और विश्वास बनाए रखें। हम समर आरंभ नहीं कर रहे हैं, हम उसकी समाप्ति पर हैं। यह हमारे उत्साह और श्रम का आरंभिक क्षण नहीं है। हम सुदूर पूर्व में आ गए हैं, यहीं से सूर्योदय होता है और यहीं समुद्र है। यदि आप सभी ने आलस्य और कायरता को अपने समीप नहीं फटकने दिया तो पृथ्वी की सुदूर सीमाओं पर विजय प्राप्त कर हम विजय उल्लास के साथ मातृभूमि लौटेंगे। किसी मूर्ख किसान के सदृश हम अपने आलस्य के कारण पकी फसल से वंचित नहीं होंगे। इस युद्ध में कुछ भी दाव पर नहीं लगा है, इस विजय से विपुल पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि जिस राज्य पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं वहाँ प्रचुर धन और संपत्ति है तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था अशक्त और शिथिल है। मुझे आपकी इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं आपको लूट के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, आपको ये अधिकार प्राप्त है। समुद्र द्वारा तट पर बिखेरे धन को अपने साथ अपनी मातृभूमि ले जाने का अधिकार आप रखते हैं। यदि डर के कारण आपने प्रयास नहीं किया और साहस प्रदर्शन से विमुख हुए तो ये दोषपूर्ण कार्य होगा। मैं आपका वह पराक्रम चाहता हूँ जिससे आप मनुष्य की महानता की पराकाष्ठा पर पहुँचे। मैं अपनी और आपकी परस्पर सेवा और समझ के आधार पर आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने पोष्य पुत्र, अपनी सहयोद्धा और अपने नरेश का साथ ऐसे समय पर न छोड़ें जब वह विश्व के सीमांत को अपने अधीन करने जा रहा है। आपने अब तक सारे कार्य मेरे आदेश पर किए,
किंतु इस कार्य के लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कभी आपको ऐसे कार्य का आदेश नहीं दिया जिसमें मैं स्वयं न रहूं। मैं सर्वदा प्रयाण या अभियान की अग्रिम पंक्ति में रहा। युद्ध में प्राय अपनी ढाल से मैंने आपकी रक्षा की। ईश्वर का प्रकोप न हो तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं हरक्यूलिस और बेकस के समकक्ष हो जाऊंगा। मेरे आग्रह को मान लें और अपना हट छोड़ें, अपना मौन तोड़ें। आपके उत्साह का परिचायक व परिचित शोर कहां लुप्त हो गया? मेरे मैसिडोनिया वासियों का वह चिर प्रसन्न मुख कहां विलीन हो गया? सैनिकों, मैं आपको नहीं पहचानता और ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी मुझे नहीं पहचानते। मैं बदिर व्यक्तियों के सम्मुख व्यर्थ प्रलाप कर रहा हूँ। मैं विश्वासघाती और भय से आतंकित भीरु हृदयों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अवश्य ही अपने प्रमाद में आपको दुविधापूर्ण स्थिति में डाल दिया है, तभी आप मुझसे आंखें नहीं मिला रहे हैं। आपकी निशब्दता से ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी निर्जन स्थान में हूं। यहां कोई उत्तर नहीं देता। क्या मैं अपरिचितों के मध्य बोल रहा हूं? क्या मैं कोई अनुचित मांग कर रहा हूं? मैं क्यों आपकी महिमा और महानता पर बल दे रहा हूं? वे कहां हैं जिन्हें मैंने उस दिन साहसपूर्ण संघर्ष करते देखा था? आप नहीं हो सकते। आपको तो अपने घायल राजा के स्वागत का विशेष अधिकार मिलना चाहिए। क्यों है ना, मैं परिव्यक्त और पराजित हो जाऊं, शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दूं, परंतु मैं आगे बढ़ता रहूंगा। क्यों ना मुझे अकेला प्रयाण करना पड़े। आप मुझे छोड़ दें तो भी मुझे ऐसे व्यक्ति अवश्य मिल जाएंगे जो मेरे साथ चलेंगे, जिनके बल पर मैं अपने विजय अभियान पर अग्रसर रहूंगा। सिंथिया और बॉक्ट्रिया के निवासी कभी हमारे शत्रु थे, किंतु अब वे हमारी सेना में हैं। वे अभी भी मेरे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि अनैच्छिक और उत्साहहीन नेतृत्व की स्थिति में मुझे मृत्यु प्रिय होगी। मैं कायर सेना का नेतृत्व नहीं करना चाहता। आप अपनी मातृभूमि लौट जाएं और विजय उल्लास के साथ लौटें, क्योंकि आपने अपने राजा को पराजित किया है। आप निराश हैं, किंतु मैं यहां से विजय के लिए प्रयास करूंगा या यहीं गौरवपूर्ण मृत्यु का वरण करूंगा। ईश्वर अनिष्ठावान विचार से हमारी रक्षा करें। सैनिक अभी भी आपके प्रति पूर्व सदृश निष्ठावान है। वे आपके आदेश पर कहीं भी प्रस्थान करने को तत्पर है। युद्ध है तो उत्तत है। प्राण त्याग कर आपके नाम को इतिहास में अमर करने को प्रस्तुत है। यदि आप अभी भी अपने निर्णय पर अटल है तो शस्त्रहीन, रक्तहीन और विवस्त्र सेना आपकी इच्छा अनुसार आपके पीछे या आगे प्रस्थान करेगी। हम सब किसी प्रकार का स्वांग नहीं कर रहे हैं, हम विवश हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा पूर्वक हमारी विवशता को धैर्य सुने। आपकी सेना ने निष्ठापूर्वक आपके प्रभुत्व और सौभाग्य का अनुसरण किया है और आपके साथ कहीं भी प्रयाण करने को तत्पर है। परमवीर, आपने अपने कृतियों से न केवल शत्रुओं को बल्कि अपने सैनिकों को भी अपने वश में किया है। सैनिकों ने मृतात्मा मनुष्य के सामर्थ्य की सीमा तक कष्ट सहा है और पीड़ा झेली है। हमने समुद्र और विशाल भूमि पार की है और उन स्थानों के निवासियों की अपेक्षा हम वहां से अधिक परिचित हैं। हम पृथ्वी की अंतिम सीमा पर खड़े हैं और आप एक पूर्णतया नए क्षेत्र में जाने का उपक्रम कर रहे हैं। आप उस भारत का अन्वेषण करना चाहते हैं जिसे भारतीय स्वयं नहीं जानते। आप गुहा में सांप और वनेले पशुओं के साथ निवास करने वाली जाति को पराजित करने हेतु उत्सुक हैं। इस प्रकार आप सूर्य की किरणों से छिपे क्षेत्र को भी अपने अधिकार में करना चाहते हैं। आप धन्य हैं। आपके जैसी महान आत्मा का ये विचार उदात और शोभनीय है, क्योंकि आप अदम्य साहसी हैं। किंतु यह हमारे सामर्थ्य से अधिक है, क्योंकि हम शक्तिहीन हो गए हैं। हमारे रक्तहीन शक्ति विक्षत शरीर पर दृष्टि डालें। हमारे अस्त्र शस्त्र कुंद हो गए हैं। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि फारसी वस्त्र धारण करने को विवश है, क्योंकि अपने देश से इनकी आपूर्ति असंभव है। हमने विदेशी वेशभूषा स्वीकार ली है, यह हमारी अधोगति है। हमारे मध्य
कितने सैनिकों के पास कवचयुक्त वस्त्र बचा है, कितने सैनिकों के पास घोड़े हैं। यह जांच का विषय है कि कितने अनुचर हमारे साथ हैं और हमारे पास लूट का धन शेष है या नहीं। हमने विश्व विजय किया है किंतु हम स्वयं सारी वस्तुओं से वंचित हैं। क्या अपनी राजसी सेना को इस विवस्त्र और रक्षित दशा में हिंसक पशुओं की दया पर छोड़ देंगे? बर्बर और असभ्यों द्वारा अतिरंजित रूप में वर्णित पशुओं की संख्या पर पूर्णतया विश्वास न करें तो भी उनकी संख्या पर्याप्त होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। यदि आप अभी भी भारत के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्यों ना हम दक्षिण दिशा में प्रयाण करें। यह क्षेत्र विस्तृत और विशाल नहीं है तथा हम शीघ्र ही समुद्र किनारे पहुंच जाएंगे। समुद्र मनुष्यवासी पृथ्वी की प्रकृति प्रदत्त सीमा है। आप गरिमा और ख्याति के लिए क्यों एक वलयाकार परिक्रमा करना चाहते हैं जबकि वह हथेली के नीचे है? समुद्र यहाँ से अत्यंत समीप है, क्यों न हम दक्षिण दिशा में प्रयाण करें। यदि आप भटकने के इच्छुक न हो तो हम आपके सौभाग्य प्रेरित लक्ष्य पर पहुंच गए। राजन, आपकी अनुपस्थिति में सैनिकों से विचार विमर्श करने की अपेक्षा आपके समक्ष इन समस्याओं को रखना मैंने उचित समझा। मेरा उद्देश्य सैनिकों की प्रशंसा प्राप्त करना नहीं है, मैंने उनकी मौन भावनाओं का अभिव्यक्त किया है, अन्यथा आप उनका आर्तनाद सुनते और दुखी होते। अलक्षेंद्र 3 दिनों तक अपने शिविर से बाहर नहीं आया, पर यवन सैनिकों ने अपना निर्णय नहीं बदला, अतः हारकर अलक्षेंद्र ने पुनरागमन की आज्ञा दे दी। आचार्य विष्णुगुप्त के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पूरी संभावना है कि अलक्षेंद्र प्राच्य देशों पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा और प्रत्यावर्तन में भी वह विजय की कामना से छोटे छोटे गणराज्यों पर आक्रमण कर अपने विश्व विजय होने के दंभ को जीवित रखने का प्रयास करेगा। केकय, वह अन्य गणराज्यों की दुर्दशा को देख यदि अब भी गणों व राज्यों ने उनकी पराजय से बोध नहीं लिया तो यह गणराज्यों का दुर्भाग्य होगा। अतः मालव व क्षुद्रक गणराज्य के गणमुख्य गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार करें। मालव व क्षुद्रक गणराज्य अपने मतभेदों को भूल सम्मिलित रूप से आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार हो, इसी में मालव व क्षुद्रक गणराज्य का हित निहित है। सेनापति, क्षुद्रक गणमुख्य मालव गणराज्य को सहायता देने के लिए तैयार हैं। मालव गणराज क्षुद्रक गणराज्य से भीख नहीं मांग रहा कि आप उसे सहायता देने की अनुकंपा करेंगे। कुल मुख्य, क्षुद्रक गणराज्य द्वारा मालव गणराज्य को नीचा दिखाने का प्रयास कतई सहा नहीं जा सकता। गणमुख्य, मालव गणराज्य को अपने सामर्थ्य का इतना ही अहंकार है तो सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता ही क्या है। मालव गणमुख्य, मालव में सामर्थ्य है गणमुख्य, और यदि विश्वास न हो तो एक बार क्षुद्रक मालवों को ललकार कर तो देखे। कृपया आप लोग शांत हो जाइए। मालव आपकी सीमा पर भी आकर चुनौती दे जाएंगे गणमुख्य। अब यहाँ बैठने का कोई कारण नहीं मालव गणमुख्य। क्षुद्रक अपनी सीमाओं पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। गणमुख्य, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मालवों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर इस तरह हम यहाँ अपमानित होने के लिए नहीं आए हैं मालव गणमुख्य। आचार्य, अपने अपने मान की सभी को चिंता है, यहाँ हमारी जननी हमारी मातृभूमि अपमानित हो रही है उसके किसे को चिंता है? यदि अलक्षेंद्र से अपने मान की रक्षा कर पाओ तो भविष्य में अपने अपने मान के लिए लड़ लेना। मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य। अलक्षेंद्र के खड़ग से पहले यह राष्ट्र अपने अपने स्वार्थ व अहंकार से ही तो आहत हुआ है। क्षुद्रक गणराज्य मालव गणराज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यवनों का सामना करने के लिए वचनबद्ध होता है मालव गणमुख्य। शीघ्र ही क्षुद्रक गणराज्य का सैन्य बल मालव गणराज्य में पहुंच जाएगा। क्षुद्रक गणराज्य की सेना का मालव गणराज्य में स्वागत है गणमुख्य। क्षुद्रक व मालव गणराज्य ने सम्मिलित रूप से यवनों के संभावित आक्रमण का प्रत्युत्तर देने का निर्णय किया है। क्षुद्रक गणराज्य की जय। और अलक्षेंद्र की सेना ने प्रत्यावर्तन में मालव पर आक्रमण किया। खेतों में काम रहे शस्त्र रहित कृषकों को
अलक्षेंद्र की सेना ने मौत के घाट उतार दिया। युद्ध की विभीषिका से दूर शतद्रु को पार कर रहे निर्दोष नागरिकों की अलक्षेंद्र की सेना ने निर्मम हत्या की। निर्दोषों की हत्या करता अलक्षेंद्र मालव गणराज्य के नगरों को ढहाता हुआ आगे बढ़ रहा था। युद्ध में अलक्षेंद्र बुरी तरह से आहत हुआ। अलक्षेंद्र को आहत देख यवन सैनिकों ने अबाल वृद्ध व स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। मालव गणराज्य की पराजय हुई। शूद्रकों की सेना समय पर मालव गणराज्य की सहायता को न पहुंच सकी व मालव गणराज्य की पराजय को देख शूद्रक गणराज्य ने भी अलक्षेंद्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चात अलक्षेंद्र ने मुसिकानोस अम्वष्ट क्षत्रिय वस्ती ऑक्सिकानोस शिवि पर आक्रमण किया। मुसिकानोस में ब्राह्मणों ने अलक्षेंद्र का जमकर विरोध किया। विद्रोह करने के अपराध में ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। शिवि के पश्चात अलक्षेंद्र पटाला की ओर बढ़ गया। स्वजनों को पुनः देखने की अभिलाषा मन में सजोए अलक्षेंद्र की सेना ने स्वदेश की ओर प्रयाण किया। विश्व विजय की कामना से निकला अलक्षेंद्र अपूर्ण स्वप्न एवं आकांक्षाओं के साथ अपनी मातृभूमि की ओर लौट रहा था। ईसा से 325 वर्ष पूर्व अलक्षेंद्र अपनी सेना के साथ पटाला पहुंचा जहां सिंधु दो खंडों में विभाजित होती थी। अपनी सेना को तीन भागों में विभाजित कर उसने सेना के एक भाग का नेतृत्व
नियरकस को सौंपा। सेना की यह टुकड़ी नदी के प्रवाह के साथ पर्शियन तट से होते हुए यूफ्रेटिस नदी के मुख तक पहुंची। दूसरी टुकड़ी क्रेटरस के नेतृत्व में संभवतः मुल्ला पास से कंधार होते हुए हारमोजिया की ओर अग्रसर हुई। तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं अलक्षेंद्र ने किया और भारत से प्रयाण कर रहे अलक्षेंद्र के स्मृति पटल पर वो दृश्य पुनः सजीव हो उठा। Stop them! Hold them captive! Ask them the reason for the jumping on the ground. महान योद्धा वीर अलेक्जेंडर, आपसे इस तरह धरती पर कूदने का कारण जानना चाहते हैं। हे महान अलेक्जेंडर, हर व्यक्ति के अधिकार में केवल उतनी ही भूमि है जितनी पर हम खड़े हैं, किंतु तुम हमारे जैसे मानव होते हुए भी दुष्टता से इस पृथ्वी की शांति को भंग करना चाहते हो। तुम व्यर्थ ही अपने घर से कोसों दूर अपने आप को व अन्य सभी को कष्ट देने चले आए हो। जब तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे पास केवल उतनी ही भूमि होगी जितनी कि तुम्हें भूमि में गाड़ने के लिए पर्याप्त हो। ओ किंग अलेक्जेंडर, ईच मैन पोजेसेस एज मच ऑफ द अर्थ एज व्हाट वी हैव स्टेप्ड ऑन, बट यू बीइंग ए मैन लाइक रेस्ट ऑफ अस एक्सपेक्ट दैट यू विकेडली डिस्टर्ब द पीस ऑफ द वर्ल्ड हैव कम सो फार फ्रॉम होम टू प्लेग यूर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स, एंड येट व्हेन यू विल डाई यू विल पोजेस जस्ट सो मच ऑफ द अर्थ एज विल सफाइस to make a grave to cover your bones. और अलक्षेंद्र भारत से चला गया। सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ ॐ सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ ॐ सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया,